वेलकम बैक, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज होने वाला है फुल डे ऑफ ईटिंग क्लीन एंड लीन बल्क के लिए। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मेरा लीन बल्किंग डाइट प्लान और ये डाइट प्लान के दो खास बात है। पहली चीज़ तो ये पूरे डाइट प्लान में हम लोग कोई भी वे प्रोटीन या फिर कोई भी दूसरे सप्लीमेंट का यूज़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी पूरे दिन में 170 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करेंगे सिर्फ और सिर्फ फूड से। और सेकेंड चीज़, ये एक बजट फ्रेंडली डाइट प्लान है तो हर कोई इसे आसानी से फॉलो कर सकता है, तो आपको प्रोटीन की और बजट की बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ये डाइट प्लान के लिए। तो चलिए फिर बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, ये वीडियो के एंड में आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा जो कि आपको लीन बल्किंग के लिए बहुत ही काम आएगी, बहुत हेल्प करेगी, तो मेक श्योर कि आप लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए फिर अभी बात करते हैं दिन के सबसे पहले मील के बारे में जो कि मैं लेता हूँ 10:30 को, वो है ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं लेता हूँ एक होममेड स्मूदी, जिसको बनाने के लिए आपको लगेगा 40 ग्राम्स ऑफ ओट्स, एक मीडियम साइज बनाना, 300 ml ऑफ नॉर्मल मिल्क, 1 टेबलस्पून ऑफ नेचुरल पीनट बटर और 1 टीस्पून ऑफ हनी। ये सारी चीज़ें मिक्सर में डाल के बस ब्लेंड कर लीजिए और आपकी हाई कैलोरी स्मूदी रेडी हो जाएगी। और इसके साथ में मैं खाता हूँ 2 होल एग और 2 एग वाइट्स। तो ये मील के बारे में कुछ बोलने से पहले आप लोग ये मील के मैक्रोस स्क्रीन पे देख सकते हो। ये मील से आपको मिल रहा है 39 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 61 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स और 34 ग्राम्स ऑफ फैट, और ये एक हाई कैलोरी मील है। तो ये मील एक हाई प्रोटीन, हाई कार्ब और हाई फैट मील है, जो कि एक परफेक्ट मील है आपके फास्ट को ब्रेक करने के लिए, यानी कि ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील। चाहे आप मसल बिल्डिंग करो, फैट लॉस करो, लीन बल्किंग करो, बल्किंग करो, लेकिन ब्रेकफास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील। तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए, जो आपको बहुत टाइम के लिए फुल रखेगा और साथ ही में बनाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो जरूर ट्राई करना। और ब्रेकफास्ट के बाद अगर मेरे को भूख लगती है तो मैं यूजुअली एक स्नैक मील खा लेता हूँ, जिसमें कोई भी फ्रूट जो भी घर पर मेरे अवेलेबल है वो मैं खा लेता हूँ, चाहे एप्पल हो, बनाना हो, पोमोग्रेनेट हो, आपके घर पर जो भी फ्रूट अवेलेबल है वो आप लोग खा सकते हो। तो अभी बात करते हैं दिन के सेकेंड मील के बारे में, वो है लंच। लंच मैं यूजुअली 2 बजे करता हूँ, अगर मैं घर पे हूँ तो घर पे करता हूँ, कॉलेज में रहूँगा तो कॉलेज में करता हूँ। और लंच को मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप लोग इसे कहीं पे भी आसानी से कैरी कर सकते हो, जैसे कि आप लोग कॉलेज में हो तो कॉलेज में भी आसानी से अपने बैग में कैरी कर सकते हो, ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस में भी इसे आसानी से कैरी कर सकते हो, कहीं पर भी बैठ के आप लोग ये मील को एंजॉय कर सकते हो। तो लंच मेरा कुछ इस तरीके से है, जिसमें मैं खाता हूँ 3 होल व्हीट रोटी, और ये एक रोटी का वजन लगभग 40-50 ग्राम्स है, तो 3 रोटी के हिसाब से इसका हुआ 150 ग्राम्स। और इसके साथ में 250 ग्राम्स ऑफ कुक मसूर दाल, मैंने इसको थोड़ा सा कुकर में कुक किया है और इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर ऐड किया है टेस्ट के लिए। मसूर दाल इज हाई इन प्रोटीन एंड हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स, तो ज़्यादा करके मैं मसूर दाल या फिर मूंग दाल हो तो मूंग दाल प्रेफर करता हूँ अपने लंच में। तो अगर आपके घर में मसूर दाल, मूंग दाल नहीं बनती है या फिर आपको नहीं पसंद, तो आप लोग इसके जगह पे छोले, राजमा या फिर लोबिया, जिसको ब्लैक आइड बीन्स भी बोलते हैं, आपके घर पे जो भी सब्जी बनी है वो आप लोग खा सकते हो। मेक श्योर कि आप लोग को उसमें से इनफ प्रोटीन मिले। थर्ड चीज़, 40 ग्राम्स ऑफ ग्रीन बीन्स, जिसमें से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत लोग भूल जाते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लंच यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ये सारी चीज़ें जो खा रहा हूँ मैं, इसको डाइजेस्ट करने के लिए मैं खाता हूँ 200 ग्राम्स ऑफ कर्ड, यानी कि प्लेन दही, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप खा रहे हो, अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रही है आपके बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इतनी सारी चीज़ें खाने की। तो इसीलिए मैं रोज़ अपने लंच के बाद 200 ग्राम्स ऑफ दही खाता हूँ, ताकि जो भी चीज़ें मैं खा रहा हूँ वो अच्छे से डाइजेस्ट हो और जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसमें मेरे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो। तो इस मील के मैक्रोस की बात करें तो मैक्रोस आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये एक हाई कार्ब मील है। मैं यूजुअली लंच में एक हाई कार्ब मील लेता हूँ, जिसमें मेरे को ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिले, क्योंकि मैं रोज शाम को जिम जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बॉडी की जो ग्लाइकोजन स्टोर्स है वो फुल रहे और मेरे को वर्कआउट करते वक्त कोई भी कमजोरी फील ना हो। तो इसीलिए मैं अपने लंच में जितना हो सकता है उतना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करता हूँ। लंच खत्म करने के बाद 2 से 2.5 घंटे के बाद मैं एक छोटा सा प्री वर्कआउट मील लेता हूँ, जिसमें लेता हूँ 4 स्लाइस ऑफ होल व्हीट ब्रेड, उसके साथ में 2 टेबलस्पून नेचुरल पीनट बटर और 1 होल बनाना, जो कि एक मेरा छोटा सा प्री वर्कआउट मील बन जाता है, जिसमें से मेरे को अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स और साथ ही में फाइबर मिलता है। और ये मील मैं वर्कआउट के 2 घंटे पहले खत्म कर लेता हूँ,
यानी कि मैं 6:30 को वर्कआउट जा रहा हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं ये मील जो है 4:30 या 4 के पहले मैं खत्म कर लूँ, ताकि ये मील जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो और मेरे को वर्कआउट करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये मील कंप्लीट करने के 2 घंटे बाद मैं जाता हूँ वर्कआउट करने के लिए। मेक श्योर कि आप लोग अच्छी डाइट के साथ साथ अच्छा वर्कआउट भी करें, वरना इतनी जो आप डाइट फॉलो कर रहे हो, इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए लीन बल्क करते वक्त, चाहे लीन बल्क करो, मसल बिल्डिंग करो, आप लोग कितना भी अच्छा डाइट कर लो, अगर आप सही से वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो उसे अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो जिम में जाके, तो इतना अच्छा डाइट फॉलो करने का कोई मतलब नहीं। तो मेक श्योर कि आप डाइट के साथ साथ वर्कआउट भी अच्छे से करें। यूजुअली जिम से घर पे आने के बाद मैं पोस्ट वर्कआउट में खाता हूँ 4 एग व्हाइट्स, जो कि मैं जिम जाने से पहले ही बॉइल करके रख देता हूँ, ताकि जिम से घर पे आने के बाद तुरंत मैं इसे कंज्यूम कर सकूँ। और उसके साथ में 2 डेट्स, जो कि मेरे ग्लाइकोजन लेवल को वर्कआउट के बाद वापस रिप्लेनिश करने में हेल्प करेगा। तो चलिए फिर अभी बात करते हैं दिन के लास्ट मील के बारे में, जो कि है डिनर। डिनर में मैं यूजुअली खाता हूँ 200 ग्राम्स ऑफ कुक चिकन ब्रेस्ट, उसके साथ में 150 ग्राम्स ऑफ कुक ब्राउन राइस। अगर ब्राउन राइस नहीं हो तो मैं 3 रोटी खा लेता हूँ और थोड़ा सा सैलड। डिनर के मैक्रोस भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक हाई प्रोटीन मील है, साथ ही मैं आपको मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट भी मिल रहा है। और अगर आपको जानना है कि ये चिकन मैंने कैसे बनाया, इसकी रेसिपी क्या है, तो आप लोगों को रेसिपी वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने बहुत सारे चिकन के रेसिपीज बताए जो आपको अपने डाइट में बहुत काम आएंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो खत्म होने के बाद एक बार जाके जरूर चेक कर लेना। और इन केस अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो आप लोग ये डाइट प्लान में से एग्स और चिकन को रिप्लेस कर सकते हो पनीर से, सोया चंक से या फिर टोफू से, क्योंकि मैं चाहता हूँ नॉन वेजिटेरियन के साथ साथ वेजिटेरियंस भी ये डाइट फॉलो कर सके। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि वीडियो के एंड में आप लोग को बताऊंगा, जो कि आपको लीन बल्किंग के लिए बहुत ही काम आएगा। बल्किंग मतलब बहुत लोग समझते हैं कि पूरा दिन कार्ब्स खाते रहो कार्ब्स खाते रहो तभी जाके आप बल्क कर पाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ये एक बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स नया सेल डेवलप नहीं कर सकता है, नया मसल डेवलप नहीं कर सकता है। नया मसल डेवलप करने के लिए आपको प्रोटीन और फैट की ज़रूरत है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे ही फोकस करते हैं बल्किंग के वक्त। तो ये जो गलत फहमी है आपकी कि ज़्यादा कार्ब्स खाने से आप बल्क कर पाओगे, बल्क करोगे लेकिन आप फैट गेन करोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कार्ब्स लोड करते रहोगे अपने बॉडी में, कार्ब्स ओवरलोड हो जाएगा, आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स है वो फुल होने के बाद ओवरस्पिल हो जाएंगे, यानी कि ओवरलोड हो जाएंगे और वो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको लीन मसल गेन करना है, लीन बल्क करना है, मेक श्योर कि आप लोग प्रोटीन के साथ साथ फैट पे ध्यान दें, ज़्यादा कार्ब्स ओवरलोड ना करें, क्योंकि प्रोटीन और फैट मिलके ही आपका नया सेल डेवलप करेंगे, नया मसल डेवलप करेंगे। अगर मेरी बात का यकीन नहीं होता तो आप लोग गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। ये जो डाइट प्लान था मेरे कैलोरीज और मेरे मैक्रोस के अकॉर्डिंग है, आप लोग को कैलोरी कैलकुलेटर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके कैलोरी कैलकुलेट करो और अपने अकॉर्डिंग ये डाइट प्लान को डिजाइन करो। मैंने बस आप लोग को फूड ऑप्शंस बताया, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत करो। तो चलिए फिर यहाँ पे वीडियो को एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग ने देखा रहेगा कि ये पूरे डाइट प्लान में हम लोग ने वे प्रोटीन या फिर कोई भी मास गेनर का बिल्कुल भी यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ फूड से 170 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम किया। तो मेक श्योर आप लोग भी मास गेनर ऐसे सारी चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, जितना हो सकता है उतना फूड से कंज्यूम कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई होप आप लोग के साथ जो मैंने डाइट प्लान शेयर किया आप लोग को पसंद आया रहेगा। आप लोग के जो भी डाउट्स है, क्यूरीज है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की ID है सामने स्क्रीन पे और लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जरूर फॉलो कर लें। जो भी डाउट्स है, जो भी क्यूरीज है, मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं 101% आपको रिप्लाई करूंगा। और मेरी वीडियो के थ्रू आप लोग की थोड़ी सी भी मदद हुई रहेगी तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना जो लोग लीन बल्किंग करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम लोग ऐसे ही कनेक्टेड रह सके और एक दूसरे की मदद कर सके। और बेल आइकन प्रेस कर, ताकि जब भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ आप लोग मिस ना करो। चलिए फिर आप लोग से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।